बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती हैं, तो इसमें कुछ लोग घरेलू जो उपाय हैं वो अपनाने के लिए कहते हैं, जैसे नमक लगाना, मिर्च और जिस जगह काटा है उसको चूसना। तो ये कितने प्रभावी हैं और क्या ये सटीक तरीका है या नहीं? सांप के या किसी भी जंतु के काटने से नमक, काली मिर्च अथवा लोहा घिसकर लगाने की प्रथा जो है ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रचलित है। इससे संक्रमण के चांसेस, अगर आप किसी को काट कर काटे हुए स्थान पर सांप के खून निकालते हैं तो उस जगह पर संक्रमण के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने भी आप जिसने खून चूसा है उसके गले में या मुंह में छाले वगैरह होंगे तो उसको भी संक्रमण के उतने ही चांसेस हैं जितना सामने वाले के में से। दूसरा, नमक और मिर्ची लगाने से क्या होगा कि उसके त्वचा में जलन हो सकती है और उसकी त्वचा काली या भद्दी भी हो सकती है। नमक मिर्ची या ये लगाने से सांप के या दूसरे कीड़ों के काटने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को सांप काटता है तो तुरंत उसको मेडिकल एड के लिए ले जाना चाहिए, कटे हुए जगह को साफ़ करना चाहिए। पट्टी या पट्टी बांधने का भी कई जगह पर चलन होता है कि ऊपर यहाँ पे काटा उसके ऊपर पट्टी बांध दें या नीचे पट्टी बांध दें। उससे अगर पट्टी बांध देते हैं तो खून का प्रवाह रुक जाएगा और खून का प्रवाह रुकने से उस अंग को नुकसान पहुँचने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए एंटीवीनम सीना सीरा जो है, अगर पॉइजनस स्नेक है तो उसको एंटीवीनम सीरा के लिए ले जाएँ। जिसका सांप ने काटा है उसका एंटीवीनम सीरा प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध रहता है। जी सर, झाड़ फूंक की भी बात सामने आती है, कई लोग दवा वगैरह भी पिला देते, तो इसमें क्या करना चाहिए? झाड़ फूंक में अगर किसी पॉइजनस जंतु का जैसे स्नेक का, सांप का या बिच्छू का दंश लगता है तो ये झाड़ फूंक जो है समय बर्बाद करने वाली बात होती है। अगर आप समय पर इनको किसी जिला चिकित्सालय पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ले जाएंगे तो समय पर एंटीवीनम का जिस व्यक्ति सांप ने काटा है उस सांप के प्रति रक्षी अगर आपको दे दी जाएगी तो समय पर उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। झाड़ फूंक जो है सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। धन्यवाद।